एक क्वेश्चन आया था कि आप कितना घंटा पढ़ते थे, तो इससे रिलेटेड इस वीडियो में बात करेंगे कि कोई भी एग्जाम्स अगर छोटा मोटा एग्जाम है, ठीक है, क्योंकि हम अभी तक जो भी एग्जाम निकाले उसी से रिगार्डिंग बात करेंगे और उतना ही एक्सपीरियंस है, ठीक है, कि कितना कैसे स्टडी करना है इससे रिलेटेड, ठीक है। तो हमसे पूछा गया क्वेश्चन कि आप कितना घंटा पढ़ते थे, ठीक है, और मतलब कि एक अंदाजा वो लगाना चाहते हैं या आप लोगों में से एक आइडिया आ जाएगा कि कितना घंटा पढ़ने से एग्जाम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि कितना घंटा पढ़ना चाहिए वो डिपेंड मतलब पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि, ठीक है, अगर आप कोई टॉपर है स्टूडेंट की पहले से ही बहुत सारा स्टडी किया है, बहुत सारा नॉलेज है, तो उसको कम भी पढ़ेगा तो वो हो जाएगा, या कम दिन भी पढ़ेगा वो तो हो जाएगा। जैसे कि मेरे सीन में था, मेरा 10th 12th बहुत अच्छे से हम स्टडी किए थे। 10th में मेरा 80.2 मार्क्स था, 80.2% मार्क्स था, ठीक है, 10th में। और 12th में भी ठीक ठाक था, और साइंस से हम किए थे तो हमको उतना दिक्कत नहीं हुआ तैयारी करने के लिए, और मैथ हमको समझ में आता था ऑलरेडी बहुत सारा। रीजनिंग भी हम बहुत सारा 8th में ही हम प्रैक्टिस कर लिए थे, और रीजनिंग भी बहुत हद तक आता था। समझिए कि जितना हम तैयारी किए हैं इस एग्जाम्स के लिए रीजनिंग, उसमें से हमको 50% तैयारी करने से पहले से आ रहा था। ऐसा सीन मेरे साथ था, इसीलिए हमको ज़्यादा मैथ रीजनिंग आता ही है। जीके जीएस में भी बहुत सारा जैसे साइंस का पोर्शन है वो तो आ ही रहा है, और साइंस में साइंस का मतलब बहुत सारा पोर्शन आ रहा है क्योंकि हम पीसीएम से 12th किए थे। तो मेरे सीन में ये सब था, और सोशल साइंस भी बहुत थोड़ा बहुत आता था क्योंकि 10th तक पढ़े ही थे। तो मेरे सीन में ये था कि हम अच्छे से 10th 12th किए थे, तो इसलिए हमको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ तैयारी करने के लिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगा। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट मतलब नहीं पढ़ा है कभी, 10th 12th पढ़ा है लेकिन पढ़ दिया है, उतना अच्छे से तैयारी नहीं किया है, तो वो जब वो तैयारी करने के लिए आएगा, वो एग्जाम देने के लिए आएगा, वो प्रिपरेशन करने के लिए जब आएगा, तो उसको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, ठीक है, तो जाकर उसका कंसेप्ट क्लियर होगा। फिर उसको उसका टाइम देने का मतलब वो कितना घंटा पढ़ेगा, और एक स्टूडेंट जो कि पूरे शुरू से ही अच्छे से पढ़ रहा है उसको कम टाइम लगेगा, इसको ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा ही मेरा सीन था कि हम जो है सो कम टाइम में भी हो गया मेरा, और अगर कोई जनरल आदमी है तो उसको ज्यादा टाइम लगेगा, ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, ठीक है, ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। मतलब कि अगर वो ऐसा नहीं है कि उसको भी 5 साल लगेगा एग्जाम क्लियर करने में, हम ये नहीं कर रहे, ज्यादा टाइम देना पड़ेगा इन द सेंस कि डेली ऑन द बेसिस डेली कितना टाइम पढ़ रहा है उस पर कर रहे हैं, वो भी 2 महीना या 6 महीना में अगर एग्जाम है तो वो उसको फोकस कर सकता है, उस पर टारगेट कर सकता है। ऐसा नहीं कि वो सोचेगा कि 2-3 साल उसको लग जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर वो सीरियस होके पढ़ेगा तो 6 महीना में कोई भी एग्जाम्स निकल सकता है, ठीक है, यूपीएससी को छोड़ के। यूपीएससी भाई वो अलग लेवल का है, उसको हम छोड़िए, हम उसके बारे में तो हम बात ही नहीं करेंगे। तो जो और बाकी सब एग्जाम्स 6 महीना में काफी है, अगर पढ़ने वाला इंसान है और वो पहले से बहुत अच्छे से अगर ठीक ठाक पढ़ा हुआ है तो अगर वो मेहनत करेगा तो 6 महीना में कुछ एग्जाम्स निकाल लेगा, ठीक है, लेकिन 100% उसको उसमें आके घुसना होगा, तभी जाके हम बोल रहे हैं। तो अब कितना घंटा पढ़ना है उस पर बात करते हैं। तो जैसे मेरा क्या सीन था कि हम मतलब जैसे जॉब के साथ एनटीपीसी के लिए तो जॉब के साथ 1-2 घंटा करके पढ़ते थे वहां पे जब थे, लेकिन जब एग्जाम आता था तो 1-1.5 महीना 2 महीना पहले हम आ जाते थे घर, और घर पे रह के छुट्टी लेके आते थे, और घर पे रह के हम तैयारी करते थे 2 महीना, सिर्फ तैयारी करते थे और कुछ भी नहीं करते थे, और जैसे कम से कम 6 घंटा 8 घंटा 10 घंटा इतना पढ़ते थे। उसमें भी बहुत सारा चीज था, जैसे हम मोबाइल, आधा प्रिपरेशन तो हमारा मोबाइल से होता था, आधा क्या मतलब 100% ही समझिए, क्योंकि यूट्यूब पे देखना है करेंट अफेयर से क्लास, मैथ पढ़ना है तो यूट्यूब से पढ़ना है, जीके जीएस पढ़ना है यूट्यूब से पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है यूट्यूब से पढ़ना है, तो सब कुछ यूट्यूब से करना है। कॉपी अपना नोट बनाते थे ताकि रिविजन के टाइम पे आसानी हो, कोई चैप्टर अगर 1 घंटा 2 घंटा में तैयारी किए हैं तो उसको फिर रिविजन करेंगे तो 15 मिनट में हो जाएगा, इसीलिए नोट बनाते थे। तो मतलब जो हम पढ़ाई करते थे उसमें ज्यादातर टाइम हम मोबाइल से चलाते थे, तो उसको हम बहुत कम टाइम में बहुत अच्छा नॉलेज कर लेते थे क्योंकि यूट्यूब पे बेस्ट टीचर सब अवेलेबल है। तो इसीलिए मतलब 1 महीना 2 महीना 3 महीना एग्जाम से पहले आके और अच्छे से प्रिपरेशन करते थे एग्जाम से पहले,
तो जाके क्लियर हो जाता था मेरा सारा एग्जाम्स। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब कोई ये करेगा तो नहीं हो पाएगा, हो पाएगा, आपको भी कम टाइम में हो सकता है। आपको चाहिए कि अपना 100% उसमें देना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप जैसे अभी से प्रिपरेशन, जिसका प्रिपरेशन कम है ऑलरेडी और वो जॉब में चले गए या कुछ और कर रहे हैं, तो उसको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। जिसका प्रिपरेशन ज़्यादा है वो 1-2 घंटा भी टेस्ट भी मारेगा ना, टेस्ट सीरीज भी मारेगा, तो उसका हो जाएगा, उसका मतलब बहुत सारा मतलब रिविजन होता रहेगा। तो फिर बाद में जाके 1 महीना भी पहले, अगर एग्जाम से 1 महीना पहले, लेकिन सीरियस होकर पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप 1-2 घंटा करके पढ़ रहे हैं और कोई आदमी जो है सो पटना में रह के हॉस्टल में रह के जो है सो 8 घंटा 10 घंटा पढ़ रहा है, आप उससे कम्पीट कर पाइएगा, नहीं कर पाइएगा कभी भी। आप अगर 1-2 घंटा पढ़ रहे हैं कोई बात नहीं है, पढ़िए पढ़िए, जॉब के साथ पढ़ रहे हैं कोई बात नहीं, पढ़िए 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 पढ़िए, लेकिन जब आपका एग्जाम आएगा तो आपको 1 महीना कम से कम अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, सिर्फ पढ़ना पड़ेगा। नहीं तो बहुत सारे ऐसा कैंडिडेट को हम देखे हैं जो हमारे बैच में ठीक है और वहां पे हम लोग साथ में ड्यूटी कर रहे थे, तो उनका टाइपिंग, वो ऑलरेडी 2-3 टाइपिंग क्वालिफाई कर चुके हैं, फिर भी वो टाइपिंग में डिसक्वालीफाई हो गए, क्योंकि उसको लगा कि यार एनटीपीसी का टाइपिंग है, 30 का स्पीड मांग रहा है, हो जाएगा, उतना सीरियस नहीं लिया, ठीक है। और मतलब अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर पाए, मतलब प्रैक्टिस कर देते 1-2 घंटा करके कर देते थे, और फिर उनका जो है एनटीपीसी में टाइपिंग डिसक्वालीफाई हो गया। और मेरा क्या सीन था कि हमको पता था कि मेरे पास हमको हो पा ही नहीं है टाइपिंग, फिर जाके हम आके एक जो भी 30-35 दिन का टाइम मिला उसमें पूरा फोकस टाइपिंग पे लगा दिया था। तो वो भी अगर अगर उनका भी टाइपिंग क्वालिफाई हो जाता, मेरा भी हो गया, जो कभी नहीं सीखा था उसका हो गया, तो उसका तो ऑलरेडी मतलब आसानी से हो जाता। लेकिन वो क्यों, क्या किया, उसको हल्के में लिए। अगर वो 15 दिन का छुट्टी लेके आते और उसको टाइपिंग अपना 100% देकर फोकस हो गए, सीरियस हो गए, सीरियस कैंडिडेट की तरह आके अगर प्रैक्टिस करते, तो उनका भी टाइपिंग क्लियर हो जाता और आज उनका भी मतलब किसी और पोस्ट में, अच्छे पोस्ट में हो जाता, बट नहीं हो पाया। तो ऐसा ही है सीन है कि आपको सीरियस होकर पढ़ना पड़ेगा, जितना भी दिन पढ़िए सीरियस होकर पढ़िए। अगर एग्जाम कोई दिए हैं, आप सोच रहे हैं कि हो जाए, क्लियर हो जाए, उससे आपको कुछ भी बेनिफिट हो रहा है कि चलो इस एग्जाम में इससे होंगे तो मेरा नया जॉब लगेगा या इस ये जॉब लग जाएगा, अभी तक कोई जॉब नहीं लगा, ये जॉब लग जाएगा, तो आपको सीरियस होकर पढ़ना पड़ेगा। इतना आसान नहीं है कोई भी एग्जाम निकालना, ठीक है, सीरियस होकर पढ़ना पड़ेगा और आपको देखना पड़ेगा, आपको सर्च करना पड़ेगा। आपको माइंड में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेश्चन है, यूट्यूब पे या जो भी आज के डेट में जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया मतलब यूट्यूब गूगल, ठीक है, इसमें आप कुछ भी सर्च कीजिएगा, बताने वाला हजारों बैठे हैं, ठीक है, आज के डेट में वही सब कुछ है। तो आप उनसे अपना प्रॉब्लम सोलिए, सॉल्व कीजिए और वो सॉल्व करने के लिए रेडी है, ठीक है। तो बस ऐसा है कि आपको कितना घंटा पढ़ना चाहिए वो आप पे डिपेंड करता है, आपको आपको फील आ जाएगा कितना पढ़ेंगे तो मेरा हो जाएगा, ठीक है। आप पढ़िए, मतलब अपने हिसाब से डिजाइन कीजिए। हम जो बोले कि हम शुरू में 2-3 घंटा करके पढ़ते थे, 1-2 घंटा जॉब के साथ, जॉब जब एग्जाम आता था तो 1-2 महीना लगा के पूरे मतलब 24 घंटा माइंड में यही चलता रहता था कि क्या करना है, कौन सा सब्जेक्ट में कौन सा वीक है, कौन सा पोर्शन पढ़ना पड़ेगा, कितना पढ़ना पड़ेगा, कैसे ये तैयारी होगा, कौन कौन सा क्वेश्चन पूछता है, हमेशा इस यही सब चलता था, तब जाके हो पाता है, ठीक है। आपको मतलब ओवरऑल अप्रोच रखना पड़ेगा कि ये भी सेक्टर है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, रीजनिंग भी है, मैथ भी है, सब कुछ है, कौन कौन चैप्टर है, कौन सा चैप्टर में वीक है, कौन किसी तरह से तैयारी करना है, ये ओवरऑल आपके माइंड में हमेशा चलते रहना चाहिए, तब जाके कम टाइम में हो पाएगा, ठीक है। आप 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा पढ़ लेने से नहीं होगा, सीधी सी बात है, कम टाइम में का बात कर रहे हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं कि ये पंचवर्षीय योजना है तो कोई बात ही नहीं है ना, अगर 6 महीना या कम टाइम में करना है तो आपको डेडिकेटेड होकर पढ़ना पड़ेगा, तभी हो पाएगा।